नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है, नारी कहीं भी कैसा भी बोझ उठा सकती है, वो सीता बनकर बेटों को लवकुश बना सकती है, वो सीता बनकर बेटों को लवकुश बना सकती है। अरे कमजोरी से मत नापना इनकी ताकत को है मेरे दोस्त, अरे कमजोरी से मत नापना इनकी ताकत को है मेरे दोस्त। जिस हाथ में चूड़ियां हैं वो समय पर लक्ष्मी बाई बनकर तलवार ही चला सकती। धन्यवाद आपके इस जोशवर्धक तालियों के लिए। मैं हमारे विद्यालय से ही क्लास 10वीं का भी नाम बहुत ज्यादा सम्मान से ऊंचा कर दिया। इन्होंने टाइकाइडो में नेशनल लेवल का भी प्राइज लिया, तो स्वागत करेंगे इनका जोरदार तालियों के साथ ताकि वो आगे दूसरी लड़की तक ना पहुंचे। आपके जवाब से दर्शक भी पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। आप एक तरह से आदर्श बच्ची बनकर इन सबके बीच में से उभरी, क्योंकि जो पुरुषों के बारे में सोचा जाता था, आपको पता होगा ऐसा कोई खेल नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय सेना भी परमानेंट कमीशन जो उसमें होता है उसमें भी महिलाओं को अब जगह देने लग गए हैं। चलिए इस खेल के बारे में हम आपसे कुछ और जानना चाहते हैं। देखिए किसी भी खिलाड़ी को ऊपर पहुंचाने के लिए या सही मुकाम पहुंचाने के लिए उनके कोई रोल मॉडल होते हैं या प्रशिक्षक होते हैं, और साथ में हम लोग अगर बात करें तो अभिभावकों का भी कम महत्व नहीं होता। तो आपसे मेरा सवाल होगा, आपके प्रशिक्षक कौन है, उनका कितना योगदान है, और आपके इस खेल में आप अपनी उपलब्धियों में उनके नाम को कैसे जोड़ना चाहिए? मेरे प्रशिक्षक मास्टरडन भैया वो हमारे कोच है, बट वो कोच ना हो के हमारे भैया हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्रेरणा दिया और बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाया। उससे मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल के बाद नेशनल लेवल तक पहुंची। उन्होंने कभी भी हमारे पेरेंट्स कहीं दूर जाने से मना करते तब उन्होंने हमें और हमारे पेरेंट्स को बहुत अच्छे से समझाया। वो अपने रिक्स पे हमें ले जाते थे और ले के आते थे, उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। वाह, अगर एक सही गुरु मिले तो लोग अर्जुन और यहाँ बैठे मानसी भी बन सकते। चलिए आगे चलते हैं, आपसे और भी बातें करनी है इस विषय पर। आप पहली बार कहाँ और किस प्रतियोगिता में आपने भाग लिया था? साथ में आपसे एक सवाल ये भी होगा कि क्या आप उस प्रतियोगिता में जीत पाई थी? मैंने सबसे पहली बार लक्की स्ट्राइक प्रतियोगिता में भाग लिया था डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप में। वहाँ पे मैंने जीता नहीं, हार गई, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्रैक्टिस में बहुत कमी थी, उस वजह से मैं हारी। मगर मुझे हारने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी। अगले कॉम्पिटिशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुजगढ़ में वो हुई थी और उसमें मैं गोल्ड मेडल आई, और मैं जिससे हारी थी उसी को मैंने हराया, तब मुझे बहुत अंदर से खुशी थी। क्या बात है, हारने के बाद आजकल के युवा भटकाव की तरफ चले जाते हैं, उन्हें लगता है हमारे साथ चीटिंग हुई है। लेकिन आप मानसिक सकारात्मक चीजों को देखिए, वो हारने के बाद भी अपनी हार को उन्होंने नहीं माना, उसे जिद बना लिया कि मुझे और मेहनत करनी है। आजकल हमारे अंदर यही कमियां होती हैं। आप जानते हैं कि अगर हम लोग सफल नहीं हो पाते तो हम दोष दूसरे के सर पे बढ़ देते हैं। उतना दोष बढ़ने से अच्छा है कि अगर खुद में मेहनत करें तो हम उस मुकाम को जरूर पा सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग और अगली कड़ी में। आप उच्चतम किस स्तर तक की प्रतियोगिता में भाग लिए हैं और आपने क्या हासिल किया? मैंने उच्चतम स्टेट लेवल तक की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया है और उसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला था। मेरी प्रैक्टिस में कुछ कमी होने के कारण मैं गोल्ड नहीं ले पाई, लेकिन आगे प्रयास रहेगा कि गोल्ड भी ले लूं। चांदी भी कम नहीं होता, सोने के साथ उसका बहुत मांगा टक्कर है। चलिए मैं भी यही चीज मानसी से जानना चाहूंगा। मैंने तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद स्टेट लेवल पे मेरा गोल्ड मेडल हुआ, फिर मैं नेशनल
था, उस हिसाब से मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, इसी कारण मैं हार गई। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेहनत अच्छे से करूंगी और आगे मैं जा सकती हूँ और इसमें बहुत ऊंचे स्तर पे जा सकती हूँ। बिल्कुल, सबका सहयोग, आपकी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद होगा तो आप बिल्कुल और आगे अच्छी मुकाम हासिल करेंगे। आपसे अगली सवाल है, आप जीत में तथा हार में दोनों में कैसा महसूस करती हैं? आप एक एक करके बताएंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत बेहतर महसूस होगा। कोई इंसान अगर जीतता है तो उसे लगता है कि उसमें वो परफेक्ट है और वो आगे मेहनत नहीं करता है। मगर जब कोई इंसान हार है, मेरे में कमी क्या थी, मुझे ढूंढना क्या, अपने कमी को निखारना है और उसमें मुझे उसे को ठीक करना है और मुझे उसमें आगे जाना है। और जब कोई इंसान हार जाता है ना तो उसको जीत हो जाता है कि नहीं, मुझे तो जीतना ही है और मुझे जिससे मैं हारी हूँ उसी को हराना है। अब ये देखिए, जीतने के बाद आप बिल्कुल सामान्य स्थिति में रहते हो और हारने के बाद आप अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ा देते हो। ये हमें हमेशा ही ऊर्जावान बनाती है। चलते हैं हम लोग आगे का सवाल, इस खेल को आप अपने कैरियर के हिसाब से कितना तवज्जो देती हैं? क्या इस खेल से कोई अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, कोई भी इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं होता। अगर कोई फिजिकली मेंटली रूप से स्ट्रांग है और फिजिकल रूप से स्ट्रांग नहीं है तो पहले तो उसे दोनों रूप से स्ट्रांग होना पड़ता है, तभी कोई इंसान परफेक्ट कहलाता है। और टैक्वांडो एक ऐसा खेल है जिससे अगर कोई बॉयज या गर्ल्स जो पढ़ने में असमर्थ हो वो टैक्वांडो का कोच बन जाए या कुछ भी, मतलब उसमें कोच या फिर गार्ड या कुछ भी बन सकता है और उसके आगे जा सकता है और उससे अपना फैमिली का भी गुजारा कर सकता है, क्योंकि टैक्वांडो भी एक ऐसा खेल है जिसमें बहुत ज़्यादा इनकम होता है। अगर आप अच्छे टीचर बन जाओगे तो उसमें आप प्रैक्टिस अच्छे से करवाओगे, बच्चे को प्रेरित करोगे तो आगे जा सकते हो और इसमें बहुत अच्छा खुशहाल जीवन जी सकते हो। चलिए, ये आपने बहुत सही बोला। हमारे गार्जियन या अभिभावक, आप बच्चों के भी अभिभावक होंगे, वो हमेशा बोलते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अभी आपने सुना मानसी से कि टैक्वांडो खेल कर उसे आप अपने जिंदगी का मुकाम भी बना सकते हैं और उससे एक अच्छी खासी आमदनी जिससे आप अपना गुजारा भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगली कड़ी में। आप स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर खेली, इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका रहा है? सबसे पहले तो मेरे कोच मास्टर भैया का योगदान बहुत ज़्यादा रहा और मेरे पेरेंट्स का, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स आगे नहीं आने देते तो मैं लिखा भी नहीं पाती और टैक्वांडो का नाम भी नहीं जानती थी। और फिर मेरा, अगर मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी तभी तो मैं आगे जा सकती हूँ। और अगर किसी चीज़ में आपकी रुचि हो तभी आप आगे जा सकते हो, अगर किसी चीज़ में रुचि ना हो तो आप कभी कितना भी प्रैक्टिस कर लो पर आप आगे नहीं जा सकते। किसी चीज में भी रुचि लाना एक बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी इंसान को। वाह, तो आपने सुना मानसी से, इन्होंने अपनी बेजोड़ मेहनत, अपने अभिभावक तथा अपने गुरु तीनों का योगदान बताया। कोई भी आदमी कभी भी अगर कुछ सक्सेस प्राप्त करता है तो वो सबसे पहले उसके अभिभावक की अहम भूमिका है। आप इतनी सारी लड़कियां यहाँ बैठी हो, आपके घर वाले, आपके अभिभावक कहीं ना कहीं बहुत बेहतर मेहनत कर रहे हैं, तभी आपको उन्होंने इस परिवेश में भेजा है। CBSE स्कूल में पढ़ाना और पढ़ना बहुत बच्चों का सपना होता है और आपको ये सपना नहीं हकीकत के रूप में बनाने वाले आप सबके माँ बाप को बहुत ही जोरदार सैल्यूट। अपने दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने मकसद पे कैसे फोकस करें, वो अपने मकसद से क्या सीखें या वो अपनी उपलब्धियों को कैसे डाइजेस्ट कर पाए और जो गलतियां होती हैं उसको भुला पाए? मेरे नज़रिए से हर लड़की को, चाहे वो किसी भी एज की हो, छोटी बच्ची से लेके बड़ी महिलाओं तक, सभी को सेल्फ डिफेंस तो जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आगे जाके आपको किसी भी तरह का परेशानी है तो आप किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, खुद वहाँ पे फाइट कर सकते हैं। जैसे निर्भया जैसी बहुत सारी लड़की है, अगर उन्होंने सेल्फ डिफेंस सीखा हो
साथ ऐसा नहीं होता। ये हमारे अंदर हमें सिर्फ सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाता, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी देता है ताकि हम किसी भी चीज में आगे फाइट कर सकें। अपने निर्भय का नेम लिया, उनका नाम सुनकर ही हमारी रूह कांप जाती है कि कैसे एक बच्ची के साथ उस घिनौनी हरकत को लोगों ने अंजाम दिया। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपने टाइकांडो को सेल्फ डिफेंस का तरीका बताया। अगर कोई भी टाइकांडो बच्ची सीखती है तो उसकी शारीरिक रक्षा बहुत आसानी से कर सकती है। अगर निर्भया ने भी ये किया होता तो शायद हमारे बीच वो सजीव अवस्था में होती और साथ में इतनी घिनौनी हरकत उसके साथ नहीं होती। अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी एम्बिशन क्या है, आपका एम क्या है, इसके बारे में आप सकते हो। अगर किसी की हाइट कम हो या फिर किसी का कुछ में प्रॉब्लम हो तो टाइक्वांडो एक ऐसा खेल है जिसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है और आप उससे आगे जा सकते हो। और टाइक्वांडो एक ऐसा खेल है जो हर लड़की को सीखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपको रास्ते में परेशान करे या कुछ भी तो आप उसको सबक सिखा सके, जवाब दे सके उसको। अगर वो इंसान ऐसा ना कि वो किसी और को छेड़े, आप उसे ऐसा सबक सिखाएं कि वो दूसरे को छेड़ने से पहले सोचे, 10 बार सोचे कि नहीं, मेरे साथ एक ऐसा एक इंसान ने मेरे साथ ऐसा काम किया है जो दूसरे के साथ मुझे नहीं करने चाहिए। वाह, ये थी भारत की भूले आने के लिए हम लोग की तरफ से बहुत ही ज्यादा आभार। आप इस मुकाम तक पहुंची हैं, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सिलेक्शन भी और साथ में आशीर्वाद भी। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं, आई एम स्पीचलेस बिकॉज़ दिस टू वर्ड्स जस्ट हैव डेमोंस्ट्रेटेड हियर देयर परफॉर्मेंस इन अ वेरी कूल वे एंड सर्टेनली इट इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर यू ऑल। दिस इज नॉट ओनली जस्ट पर्पस जस्ट टू हाईलाइट देम बट आल्सो जस्ट यू हैव टू लर्न हाउ कैन जस्ट टीच टू स्टूडेंट्स एंड अदर स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड टू इंस्पायर यू ऑल। दिस इज द डीप ऑफ द थीम ऑफ this talk show. Just I am so pleased that this talk show has just performed very well. I am very happy. एक बार जोरदार तालियां हो जाए मानसी के लिए। अब सबके दीदी कहां पीछे रहने वाली है, तालियों का जोर से स्वागत करेंगे ताकि बच्चों का हौसला बढ़ सके।